श्लोक नंबर 45। इस श्लोक में बताया है कि भाई तीन गुण हैं हमारे, सत्व रज और तम, और दूसरी बात बताई है योग क्षेम की। तो जो सत्व रज तम है वह बात हमने समझनी पड़ेगी। इसमें भगवान कृष्ण ने बताई अभी अर्जुन तने त्रिगुणा यानी कि तीन गुणा तभी परे न जाना है, त्रिगुणा अतीत होना है, तने ये तीन गुण भी छोड़ देने हैं। तो तीन गुण कौन से हैं? तीन गुण है तमस रजस और सत्व, ये तीन गुण हैं। तमस का मतलब जो तन से संबंधित, रजस का मतलब जो मन से संबंधित, और सत्व का मतलब जो हमारे जो कल्याण खातर, जो हमारा सूत्र है भलाई खातर, हम कहीं भी नहीं सोचें अब भाई चलो इसका भला कर दो, वो है सत्व। तो तीन गुना थे जो परे जाके जब तू युद्ध करेगा, जब तू आत्मज्ञानी कहलाओगा। तो यह बात इसमें बताई अब भाई त्रिगुण के कारण है जो थे, उससे कारण तेरी या जो कामनाएं जागे हैं, इसे कारण तू जो है लड़खड़ा रहा है, इसे कारण तू शोक करने लग रहा है, इसे कारण तेरे बहुत सारे सवाल हैं। तो तन्ने ये जो तेरा सवाल का जो जवाब है वो यू है अगर तन्ने इन तीन गुना तो परे न जाना है, यह बात होगी। फिर इसमें बताया अग भाई जो योग क्षेम, योग क्षेम का मतलब है अग भाई जो हम योग का मतलब जो भौतिक परिभाषा में जो मारे धोरे नहीं है हम उसने जोड़ेंगे वो योग हो गया, और क्षेम का मतलब हो गया जो मारे धोरे है उसकी हम रक्षा करेंगे। तो आम भाषा में अगर हम योग क्षेम की बात समझें तो जो हम रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो अपने काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल जीवन में जो हम अपने काम कर रहे हैं, वो है हमारा योग क्षेम। तो योग क्षेम में है बताया रखी है अग भाई जब तक तू योग क्षेम तो परे नहीं होगा, जब तक तू अपना मतलब छोड़ के और जब तक तू निर्लेप स्थिति में, जब तक तू आत्मज्ञानी स्थिति में नहीं होगा, जब तक तू युद्ध नहीं कर सकता, जब तक तू धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। तो यह इस श्लोक में बताई अग भाई हमने तीन गुना तय अतीत, तीन गुना तो परे होना है, और योग क्षेम, योग क्षेम भी तने छोड़ना पड़ेगा। तने अपना जो अपना तेरा जो कार्य है, जो तू अपने सगे संबंधियों के साथ जो करे है, जो तेरा सगे संबंधियों के साथ जो तेरा रिश्ता है, वो भी तने छोड़ना पड़ेगा। तो यह इस श्लोक का यो सार है।